हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आप बायनोमो में यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी सेम स्ट्रैटेजी की, सर आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ। तो डेफिनेटली आज की वीडियो में हम एक ऑसम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम भी लकीली या कोइंसिडेंस से के साथ उस जो स्ट्रेटजी है उसका नाम भी स्टार्ट होता है ऑसम के साथ। तो बिल्कुल, तो आज उसी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यार, एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं बायनरी ऑप्शन से या फॉरेक्स ऑप्शन से, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो यार अभी कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आप डेफिनेटली मिस करने वाले हो। तो फ्रेंड्स, चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरफेस आप देख पा रहे हैं अभी बायनोमो का, और मेरा जो है रियल अकाउंट अभी लॉगिन है, जहां पे हमारे पास जो बैलेंस है वो है $933। और अब जो है मैं सबसे पहले अमाउंट जो सेट कर लेता हूं, तो अमाउंट में जाता हूं $20 के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कम है, रियल अकाउंट में हमारे पास बैलेंस कम है, तो यहां पे सिर्फ $20 की ट्रेड लेंगे, ताकि अगर हम कोई ट्रेड हारते भी हैं तो मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली वर्कआउट हो सके चीज़ें, ठीक है। तो यार गाइज, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ आई थिंक, बट आई होप कि आप समझ जाओगे चीज़ें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बनाना चाहता, थोड़ा शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। तो क्योंकि 2000 ट्रेड्स अगर हम लेके स्टॉप कर देते हैं वीडियो को, तो चीज़ें समझ नहीं आती लोगों को ज़्यादा। तो आज थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेड लेंगे और उम्मीद करेंगे कि चीज़ें ज़्यादा समझ आए आप लोगों को। और अगर कुछ फिर भी नहीं समझ आता तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और एक एक कमेंट का मैं आंसर करता हूं और चीज़ें पढ़ता भी हूं एक एक कमेंट, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले कुछ नेसेसरी सेटिंग्स जो हैं ग्राफ की वो कर लेते हैं। तो यहां पे माउंटेन सेलेक्टेड है, तो मैं इसको कर लेता हूं कैंडल्स में। टाइमिंग जो है 5 सेकेंड सेलेक्टेड है, इसको मैं कर लेता हूं 1 मिनट, ठीक है। अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने आ गया है। अब जाते हैं हमारी स्ट्रैटेजी पे, तो हमारी स्ट्रैटेजी का जो नाम है वो है द ऑसम ऑसिलेटर। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके, बाय डिफॉल्ट सारी सेटिंग्स रखता हूँ बिल्कुल सेम, और अप्लाई पे कर देता हूँ क्लिक। तो दोस्तों, ये मेरा जो ग्राफ है यानी मेरा जो वर्जन है पीसी का, जहाँ पे मैंने अपना बायनोमो का अकाउंट लॉगिन कर रखा है, तो इसके अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑसम ऑसिलेटर के नाम से एक इंडेक्स जुड़ गया है, एक छोटा सा बार सा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ कैंडल्स देख पा रहे होंगे, ठीक है, कुछ कैंडल्स हैं ग्रीन कलर की रेड कलर की, ठीक है। अब यार आप लोगों को एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो ये कि यार कुछ लोगों को ज़रूर ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि मैं ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, इस स्ट्रैटेजी के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडेड है एल्गोरिथम है, गणित है यानी मैथमेटिक्स है, बट वो चीज़ें मैं आपको एग्जैक्टली अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग हैं तो समझ जाएंगे, बट बहुत सारे लोग हैं मेजोरिटी पीपल जिनको मैथमेटिक्स या कैलकुलेशंस या एल्गोरिथम से कोई लेना देना नहीं है, उनको जस्ट स्ट्रेटजी समझनी है वो बहुत इजी वे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखोगे आप जीरो लाइन है, इसके ऊपर भी कैंडल्स बन रही हैं, इसके नीचे भी कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन अभी के लिए आप इन्हें इग्नोर कीजिए। अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्टेड है सीखने में कोई, तो कमेंट करके पूछ सकता है या फिर मेरे पर्सनली इंस्टा पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। बाकी मैं अभी एग्जैक्टली थोड़ा सा ईजी वे में आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, जब सिंपल मैं बताता हूँ, जब भी ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिखती है, ठीक है, जब भी आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है, और जितनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है, तो उतना श्योरिटी के साथ आप 1 मिनट के लिए ट्रेड लो। जैसे ही वो ग्रीन कलर की कैंडल बने, उसी के साथ आपको ट्रेड लेनी है सेम डायरेक्शन में। देखो ग्रीन कलर, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ये आपको रेड कलर का एक सर्कल दिख रहा है, जिसके अंदर एक छोटा सा फ्लैग सा है। अब इसके नीचे ये लाइन जा रही है, देखिए, अब इस लाइन के मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी मुझे कोई कैंडल नहीं मिली, अगर आप देख पा रहे होंगे मुझे कोई कैंडल नहीं मिली यहाँ पे, लेकिन मैं वेट करूंगा एक कैंडल का। जैसे ही मुझे यहाँ पे एक कैंडल मिल जाती है एग्जैक्टली यहाँ पे, तो उसके बाद मुझे प्रोसीड करना है, ठीक है, उसके बाद मुझे प्रोसीड करना है। 3 से 4 सेकंड का मुझे वेट करना है, 3 से 4 सेकंड का मैं वेट करूंगा कि क्या पता उस कलर, उस जो कैंडल है उसका कलर चेंज ना हो जाए, और जिस भी कलर की मुझे कैंडल मिलेगी मैं 1 मिनट के लिए ट्रेड लूंगा सेम डायरेक्शन में। अगर मुझे ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है तो मैं ग्रीन पे क्लिक कर दूंगा, और अगर मुझे रेड कलर की कैंडल मिलती है तो मैं रेड पे क्लिक कर दूंगा, और 1 मिनट मेरी रहेगी टाइमिंग। देखिए, अब यहाँ पे ना 100% आप विन नहीं करोगे,
अब देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर की मुझे छोटी सी कैंडल मिली है, बिल्कुल छोटी सी कैंडल एग्जैक्टली अगर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल छोटी सी कैंडल मिली है, जिसका मतलब है कि मार्केट रहने वाला है डाउन ट्रेंड पे, और यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे तो चीज़ें समझ आ गई। यहाँ पे देखिए रेड कलर की कैंडल भी बन गई है, लेकिन हमने थोड़ा लेट कर दिया ट्रेड लेने में, तो अभी हम नहीं लेंगे। अब एक नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप, नेक्स्ट ये लाइन है, अब इस लाइन के नीचे देखते हैं क्या कैंडल बनती है, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। तो फिलहाल अभी इस मार्केट पे ट्रेड लेना सही नहीं रहेगा इस करेंसी पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी ट्रेड लें तो एक चीज़ ज़रूर चेक कर ले कि मार्केट ठीक चल रहा है फिलहाल के टाइम पे। अगर ठीक चल रहा है तो ही ये स्ट्रेटजी यूज़ करें, अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है एक, और यहाँ पे भी छोटी सी ग्रीन कलर की बनना स्टार्ट हो गई है। अगर आप यहाँ पे 4 या 5 सेकंड का वेट करके ट्रेड लोगे तो आप डेफिनेटली विन करोगे, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं आपके विन करने के। तो अब जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर की एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है, छोटी भी मतलब ठीक ठाक सी है। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि अगेंस्ट चल रहा है हमारी प्रेडिक्शंस के। तो अब हम जाते हैं यूएसडी जेपीवाई ओटीसी मार्केट में आज ट्रेड लेके देखते हैं, क्योंकि आज सैटरडे है तो मार्केट जो है फिलहाल ओटीसी ही ओपन है हमारे पास, तो इसलिए हम ओटीसी मार्केट पे ही देखेंगे। तो आज अभी ट्रेड लेना का जो सिलसिला है वो ज़रूर स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी कुछ कन्फर्मेशन किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है। देख पा रहे होंगे आप इस लाइन के नीचे भी अभी तक कोई कैंडल या स्टिक छोटी सी कोई बार नहीं बना है, अभी तक कोई भी बार नहीं बना है। थोड़ा सा और वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल नहीं बन रहा है, तो एक और हाँ तो रेड कलर का मुझे दिखा बन गया, और मैंने जो है रेड कलर के डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है $20 की, लेट्स सी कि क्या होता है। और देख पा रहेंगे अभी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि सिनेरियो थोड़ा है अच्छे से समझ आए, ठीक है, लेट्स सी। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, जो भी बायनेमो यूज़र्स हैं उन लोगों के लिए एक और खुशखबरी है जो विड्रॉ से रिलेटेड इश्यूज़ फेस करते हैं। तो लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा उनसे वो चीज़ जो हमारे पास है। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। जो बायनेमो यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं या पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ और कैसे इन्वेस्ट करूं, तो डेफिनेटली उनके लिए ज़रूर कुछ है इस वीडियो में। लास्ट तक देखना, आपको ज़रूर चीज़ें जो है समझ आएंगी। अब बचे हैं हमारे पास 16 सेकंड्स और बिल्कुल जो है वो अगेंस्ट चला गया है, ऊपर चला गया है। अब हमारे पास 12 सेकंड है, नेक्स्ट 12 सेकंड्स, और देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो थोड़ी कम ही है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता, बाइनरी मार्केट है, लास्ट सेकंड पे भी चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है गॉन। अब हम नेक्स्ट ट्रेड जो है देखें, रेड कलर की कैंडल बनी है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, हाँ 20 था तो मैं 40 कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। और जो मेरे डायरेक्शन जो है, मैंने डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है $40। कैंडल हमें रेड कलर की ज़रूर मिली थी, तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है इस कंडीशन में। कितना वेट करना है आपको, 4 to 5 seconds आपको वेट करना है, क्योंकि कई बार क्या देखा है मैंने जब ये स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ, तो ये रेड कलर की कैंडल आप देख रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ना, इसका कलर चेंज हो जाता है सडनली। कलर चेंज हो गया मतलब आपको जो है ट्रेड आपको चेंज करनी है पड़ेगी अपनी। और कई बार हम पहले ट्रेड ले लेते हैं 3-4 सेकंड पहले, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता कि हम समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप ट्रेड गलत डायरेक्शन में ले लेते हो बिना सोचे समझे। तो हमें 4-5 सेकंड का वेट करना है, और ये सारी चीज़ें आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, कोई स्ट्रेटजीज नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने टेस्ट करके काफ़ी टाइम तक चेक करके के बाद ये चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे हम जो है ट्रेड जो है वो विन कर गए, अब मैं इन्वेस्टमेंट हमारी $20 फिर से कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए ग्रीन कलर की कैंडल मिली है, 4-5 सेकंड का करेंगे वेट, और अब मैंने जो है ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। ग्रीन कलर की कैंडल मिली है, मैंने डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ट्रेड प्लेस कर दी है। अमाउंट है हमारा $20, लेट्स सी कि क्या होता है। तो अभी तो देखिए आहा, यही द सेम थिंग, अच्छा हुआ जो वीडियो के अंदर ही हमें ये एग्जाम्पल मिल गया। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, रेड कलर की कैंडल बन गई है, पहले ग्रीन कलर की थी व्हेन वी ट्रेड, हमने जब ट्रेड ली थी, अब सडनली ये रेड कलर में चेंज हो गई है। तो यही चीज़ों का भी आपको भी ध्यान रखना है, हल्का सा आपको थोड़ा वेट करना है। चलिए आप एक काम कीजिए, 3 या 4 सेकंड को भी नहीं, 5-6 सेकंड का वेट कर लीजिए, डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। तो 5-6 सेकंड का आप वेट कर लीजिए, उसके बाद आप ट्रेड ले लेना। देखिए रेड कलर की बनी, और डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे भी रेड कलर की ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो भी हम विन करते ही है, बट नो इशू। अब हमें फिर से इन्वेस्टमेंट हमारी 40 करनी पड़ेगी, लेट्स सी। नेक्स्ट भी रेड बनी है, लेकिन हम वेट करेंगे, देन अगेन विल वेट फॉर। ग्रीन बन गई है और मैंने जो है ट्रेड ले ली है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेट्स सी कि क्या होता है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है $40 दिस टाइम,
और टाइम जो है ऑलमोस्ट 40 to 50 seconds हमारे पास अभी बाकी है. लेट्स सी. सो गाइज चेक कर पा रहे हैं जो अब आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी कि ये जो ऊपर है ये ऊपर क्या मतलब होता है, नीचे क्या मतलब होता है. तो भैया मैं उसका आपको एग्जैक्टली समझा देता हूँ क्या होता है. अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेड कलर की कुछ ब्रिक्स दिख रही है आपको, छोटी 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 ना. तो अब जैसे ये छोटी ब्रिक्स यहाँ पे ख़त्म हो गई तो इसका मतलब है ये जीरो लाइन है. देख लीजिए इसका जीरो, उसको जीरो लाइन बोल सकते हो आप इजी भाषा में. तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग दूसरी ब्रिक्स इस बनना स्टार्ट हो गई है नीचे की तरफ. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं. ठीक है, और इन अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है किसी भी ग्राफ में, ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेटर ऑसम ऑक्सीलेटर अगर आप यूज़ करते हो, तो अगर आपको इस तरीके की कंडीशंस मिलती हैं, यानी अगर आप चेंज हो रहा है ट्रेंड, तो वहाँ पे आप ट्रेड मत लेना. थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है आपको, और वेट करने के बाद आपको ट्रेड लेना है. अब अगली कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन फिलहाल थोड़ा कन्फर्मेशन का वेट करना ही सही रहेगा. जो इन्वेस्टमेंट है मैं अगेन $20 कर लेता हूँ. ओके, सो लेट्स सी. अभी हमने चार ट्रेड ली है जिसमें से दो विन की हैं, दो लॉस में है. ठीक है, और फिलहाल का जो मार्केट है वो सैटरडे है, तो इस वजह से यहाँ पे OTC में ले रहे हैं हम ट्रेड. लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको रियल मार्केट पे लेते हैं ट्रेड, अगर US मार्केट पे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, मैंने चेक किया है. ठीक है, सो अब हमारा इन्वेस्टमेंट है $20 एंड हमें, मुझे लगता है हमें करेंसी को चेंज कर लेना चाहिए फिलहाल. तो यहाँ पे भी देखिए, अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इस करेंसी, इस ऑक्सीलेटर का यानी इंडिकेटर का. यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेंड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हम ट्रेड जो है वो नहीं लेंगे. क्रिप्टो में जाते हैं, हाँ यहाँ पे फिलहाल ठीक ठाक सा चल रहा है सिनेरियो, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे. नेक्स्ट कैंडल का ज़रूर वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड प्लेस करेंगे हमारी. अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल का ज़रूर वेट करेंगे, उसके बाद हम. नेक्स्ट कैंडल बनी है ग्रीन, तो मैंने जो है हमारी ट्रेड है वो प्लेस कर दी है ग्रीन. हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है $20 की. लेट्स सी कि हमारा साथ क्या होता है, विल विन और विल लूज. ये देखिए किस तरीके से ग्राफ चल रहा है यार, मज़ा देखिए किस तरीके से आ रहा है भाई. यहाँ पे एक्सपेक्टेड इनकम आ रही थी अभी 36, देन 0, देन 36, देन 0, इस तरीके का कुछ सिनेरियो यहाँ पे रन कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे लगता है यार थर्ड भी अभी तो 18 seconds ही बचे, दिस गॉन. तो हम अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर प्रोबेबली अगर देखें तो चली गई फिर हम $40 की जो इन्वेस्टमेंट है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को $40 कर लेते हैं. अभी भी चांसेस है वैसे हमारे पास 4 seconds. लेट्स सी कि क्या होता है. और जैसा कि मैंने कहा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और वी वॉन, वी वॉन गाइज, वी वॉन, या एक्चुअली वी वॉन. सो अब हमारी जो अमाउंट है मैं फिर से $20 कर लेता हूँ. ओके, एक ग्रीन कलर की कैंडल और बनी है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ग्रीन कलर के साथ ही, और मैंने $20 जो है वो प्लेस कर दिए हैं ग्रीन कलर की डायरेक्शन में ही. $20 मैंने प्लेस कर दिए हैं. टाइमिंग मैंने आपको जैसा कि बताया 1 मिनट ही है, लगभग लगभग 1 मिनट हम कह सकते हैं. ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ 30 seconds बचे हैं. जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज मैं काफ़ी सारी ट्रेड लेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज पे, काफ़ी सारी ट्रेड लेंगे, और उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे दो तीन ट्रेड लेके भी वीडियो को फिनिश कर सकता था. वो डजेंट मैटर, वो उसके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी फॉर मी, बट आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा ट्रेड ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए एग्जैक्टली वर्किंग ऑफ दिस स्ट्रेटजी. यहाँ पे आप ज़रूर ट्रेड हारोगे, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे आप ट्रेड जीतोगे ही जीतोगे. एक ट्रेड हार के एक ट्रेड जीतते भी हो तो भी यहाँ पे आपको ज़रूर फ़ायदा है, नुकसान नहीं है. ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना. हमारी इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं $40. ठीक है, रेड कलर की कैंडल ज़रूर बनी है, तो मैं जाने वाला हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैंने $40 जो है वो प्लेस कर दिए हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, क्या होता है, लेट्स सी. तो अभी हमारे पास $40 हैं क्योंकि रेड कलर की कैंडल बनी थी, तो यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिए हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कैंडल जो है अभी ग्रीन कलर की बनना स्टार्ट हो गई है. अब फिर से रेड कलर की बनना स्टार्ट हो गई है, एंड देन फिर से ग्रीन कलर की बनना स्टार्ट हो गई है, देन अभी फिर से रेड कलर की कैंडल है. एंड एक चीज़ आपने नोटिस की, अभी तक हमने लगभग 7 से 8 ट्रेड प्लेस कर दी है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली हम दो ट्रेड इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज की बेसिस पे नहीं हारे. अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने 3 अलग अलग करेंसीज में ट्रेड ली हैं, करेंसीज पेयर्स में, बट अभी तक दो ट्रेड कॉन्टिन्यूसली हम अभी तक नहीं हारे हैं. द रीज़न इज सेम, द रीज़न इज सेम, आई टोल्ड यू. यहाँ पे हम ज़रूर हारेंगे,
लेकिन इतना नहीं हारेंगे कि अगर आप मनी मैनेजमेंट पे जाओ तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से हमारा लॉस नहीं होने वाला है। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है मैं $20 फिर से कर देता हूँ और उम्मीद करेंगे अगर ये जो है ट्रेड हम जीत जाते हैं तो आज मेरा जो बैलेंस है वो हो जाने वाला है $1,000। एंड प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट मी, रियल अकाउंट का जो बैलेंस है वो मैं $1,000 के मतलब $1,000 तक पहुँचाने वाला हूँ आज। होप पहुंच जाए अगर ये जो ट्रेड है वो हम जीत जाए तो। और उसके बाद अगर आप और चाहते हैं, क्योंकि वीडियो जो ऑलरेडी 15 मिनट की हो गई है, ठीक है, अगर और अगर लगता है अगर ये हारते हैं तो हम ज़रूर और ट्रेड लेंगे, और अगर ये जीत जाते हैं तो डेफिनेटली विल स्टॉप हियर, क्योंकि ये आज का जो बैलेंस है वो कंप्लीट हो गया है, मेरा टारगेट $1,000 का। बट फिर भी लेट्स सी कि क्या होता है। आपने, मैंने जैसा कि आपको बताया, आपने चेक किया होगा यहाँ पे, आप दो ट्रेड कंटिन्यूसली नहीं हारे हैं। हम जो हारे हैं एक ट्रेड ज़रूर हारे हैं, दूसरी ट्रेड पर उसको ज़रूर कवर कर लिया है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यार वीडियो आप अभी तक देख रहे होंगे, बिल्कुल अभी तक देख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप समझना चाहते हैं एग्जैक्टली स्ट्रेटजी को तो आपको वीडियो पूरी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आप समझते होंगे अगर आप सीरियस हैं अबाउट ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है हम जीत गए हैं और अगेन हमें मिली है एक रेड कैंडल। लेकिन यार मुझे अब देखिए हमारे पास जो बैलेंस है रियल अकाउंट का वो हो गया है $1,005। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, या फिर अगर और ट्रेड लेनी है तो, या फिर वीडियो जाएगी 20 मिनट की, सो विल स्टॉप हियर। और किसी को कोई डाउट होता है ट्राई करके देखो यार इस स्ट्रेटजी को, किसी को कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछ सकते हो यार कमेंट बॉक्स में, आंसर ज़रूर मिलेगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आंसर मिलेगा। अब बात करते हैं यार एक खुशखबरी की, एक गुड न्यूज़ की, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो यार मैंने बायनमो को मेल किया और बायनमो से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट, मुझे अच्छा रिप्लाई मिला। और उसके बाद मुझे एक और चीज़ का मैंने उनके साथ डील किया है, वो ये कि दोस्तों यार बहुत सारे लोग हैं जो बायनमो से रिलेटेड विड्रॉ इश्यूज को प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। तो द रीज़न इज़ कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है बायनमो से विड्रॉ लेने में, चाहे वो कोई भी पेमेंट प्रोसेस के थ्रू लें, या फिर कोई वॉलेट के थ्रू लें, या डायरेक्टली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में लें। तो यहाँ पे मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली जो है बात की कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनको विड्रॉ में इश्यूज़ ना आए। तो डेफिनेटली जैसा कि आपको पता है अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो मैं कुछ चीज़ें, आप हर एक चीज़ अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ मैं आपके लिए इजी करने की हमेशा से कोशिश करता रहता हूं, और इसी चीज़ में लगा रहता हूं कि किस तरीके से आप यहां से अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाएं और आपको जो है प्रॉब्लम डेफिनेटली ना फेस हो। तो भैया बात यह है कि उनसे बात करने के बाद डेफिनेटली मुझे एक सॉल्यूशन मिला है यहाँ से। उन्होंने कहा है कि जो भी यूज़र्स आपके थ्रू हमें मिलता है, मतलब कोई भी यूज़र्स अगर आप, अगर हमें पता लगता है कि आपके थ्रू हमें कोई यूज़र्स मिला है, तो डेफिनेटली फॉर योर सब्सक्राइबर्स हम जो है उस चीज़ को, आपका जो विड्रॉ है, जो आपके यूज़र्स है उनको जो है उनके विड्रॉ को जल्दी प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल। तो ये उनकी तरफ से मुझे आंसर मिला एंड डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी। तो मुझे अच्छा लगा ये आंसर सुन के, और डेफिनेटली जो हमारे जो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे एक लिंक प्रोवाइड किया है, दैट आई डोंट नो दैट व्हाट इज़ द लिंक का। तो मैंने जो, उन्होंने जो एक लिंक प्रोवाइड किया है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उस लिंक से अगर कोई रजिस्टर होना चाहे तो डेफिनेटली, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है अभी तक बायनमो पे और अगर करना चाहते हैं तो वो जो लिंक है अगर आप उसके थ्रू रजिस्टर होते हैं तो डेफिनेटली आपका जो विड्रॉ है वो जल्दी प्रोसेस होगा। और ये जो है उनके साथ जो है मेरा इस तरीके का डील हुआ है कि उनका जो विड्रॉ है हमारे यूजर्स का वो बहुत जल्दी से प्रोसेस होगा, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए हुआ है, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि सर विड्रॉ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ जो है उनको सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि विड्रॉ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं रिगार्डिंग दी पेमेंट्स की आपके बैंक में नहीं आती या फिर आपके अकाउंट में नहीं आती। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, यार यहाँ पे प्रोमो कोड जो होता है ना वो मत यूज़ करना आप, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको, जो ट्रांसपेरेंट एग्जैक्टली नहीं होती। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में यहाँ पे रिटर्न होता है कि आप अगर एक बार प्रोमो कोड यूज़ कर लेते हो या फिर कूपन कोड यूज़ कर लेते हो बायनमो के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वहाँ पे क्या होता है ना आपको एग्जैक्टली एक माइलस्टोन को हिट करना होता है, मतलब एक टच करना होता है माइलस्टोन को, जो कि ऑलमोस्ट ना इम्पॉसिबल होता है। तो उस माइलस्टोन को हिट करने के बाद ही आप अपने अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हैं। तो पहले ही बताना चाहूँगा आपको क्या करना है, कोई भी कूपन कोड या फिर कुछ नहीं यूज़ करना है। और बाकी आप अगर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करो तो वैसे तो आपको बायनमो में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं विड्रॉ में, लेकिन अगर आती है तो अगर आप सोचते हो थोड़ा सा, और अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है किसी भी बाइनरी एप्लीकेशन में, और अगर आप चाहते हो कि मैं जाऊँ एक इन्वेस्टमेंट के साथ और विड्रॉ लूँ और मुझे विड्रॉ में कोई प्रॉब्लम ना आए आपकी बैंक की तरफ से या किसी भी तरफ से, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बायनमो, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चलिए गाइस यार मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और
उम्मीद करता हूँ यार स्ट्रैटजी आपको समझ आई होगी, पसंद जरूर आई होगी। चले गाइस यार लाइक जरूर कर दिया होगा वीडियो को इतना मैं उम्मीद करता हूँ, सब्सक्राइब करके गए होंगे चैनल को अगर अभी तक आप जुड़े हुए हो चैनल के साथ, यानी फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, वीडियो को शेयर जरूर करना, जितनी आगे तक वीडियो जाएगी जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे चैनल की उतनी ही ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा और उतना ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो पाएंगी और चीज़ें जो है स्प्रेड हो पाएंगी। थैंक यू सो मच यार एवरीबॉडी।